हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बना रही हूँ कड़वे करेले की क्रिस्पी टेस्टी और फ्राइड सब्जी। तो उसके लिए पहले सबसे पहले मैंने करेले लिए हैं, मैंने करेले को बॉईल करने रख दिया है। हम करेलों को अच्छे से बॉईल करेंगे 5-10 मिनट के लिए। अब मैंने इसमें नमक डाल दिया थोड़ा, 1 स्पून, और मैं इसको बॉईल होने दूंगी। बॉईल होने के बाद हम इसको आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि इसका पानी जो है सारा सूख जाए, करेले ड्राई हो जाए। करेले बॉईल हो गए और मैंने इसको आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ा था, ये अच्छे से ड्राई हो गए हैं, अच्छे से सूख गए हैं। तो अब मैं इसको काटूँगी गोल गोल स्लाइस में। तो मैं करेले ऐसे काटूँगी गोल गोल स्लाइस में। तो आप मैं ऐसे करके एक एक करके काट दूंगी ऐसे गोल गोल। आप चाहो तो इसके बीज को निकाल भी सकते हो, अगर ज़्यादा पक्के हैं इसके बीज। अगर ठीक है तो आप ऐसे ही रख सकते हो, ये बहुत क्रिस्पी बनते हैं। ऐसे एक एक करके सारे करेले काट दूंगी और फिर से मैं इसको 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी ताकि इसका पानी सूख जाए। ये मैंने काट दिए, अब मैं इसको अच्छे से ऐसे ही छोड़ दूंगी 10-15 मिनट के लिए ताकि इसका पानी सूख जाए अच्छे से। तब तक मैं करेले के लिए ऑयल गरम करती हूँ। करेले तलने के लिए मैंने ऑयल ले लिया है, अब मैं इसको गरम करने रख देती हूँ। ऑयल गरम हो गया, अब मैंने इसमें करेले फ्राई करना शुरू कर दिए हैं। जब तक मेरे करेले फ्राई होते हैं तब तक मैं इसके लिए मसाला लेती हूँ। मैंने 2 प्याज लिए हैं, 2 मिर्च, हरा धनिया और 2 टमाटर। आप चाहो तो ज़्यादा भी ले सकते हो प्याज और टमाटर, पर मैंने यहाँ पे 2 ही लिए हैं। तो इसके लिए मैंने ये सारे मसाले लिए हैं, नमक, लाल मिर्च, ये तेल है, सब कुछ ये मसाले मैंने इसमें ऐड करने हैं। करेले ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। मैं करेले इसीलिए फ्राई करती हूँ, एक तो क्रिस्पी बनते हैं और दूसरी इसकी जो कड़वाहट होती है वो सारी निकल जाती है और बहुत टेस्टी बनते हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी। मैंने करेले फ्राई कर दिए हैं, अब मैं इसके लिए मसाला तैयार करूँगी। तो मैंने ये मसाला इसके लिए काट दिया है। मैंने प्याज को एक बारीक सा काटा है, तो एक थोड़ा मोटा काटा है। एक मैं तड़के में यूज़ करूँगी, एक मैं इसको बाद में गार्निश करने के लिए यूज़ करूँगी। तो अब मैं इसके लिए तड़का तैयार करूँगी। मैंने यहाँ पे 2 स्पून ऑयल लिया, सिर्फ ऑयल मेरा गर्म हो गया, मैंने इसमें लाल मिर्च डाल दी है। अब मैं इसमें डालूँगी गर्म मसाला। अब मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज, प्याज को भी अच्छे से भून लेगी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी हरी मिर्च। अब मैं इसमें ऐड करूंगी लाल पाउडर मिर्च और हल्दी। इसको भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी टमाटर, टमाटर को भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। टमाटर को हम इसमें अच्छे से ज़्यादा पकाएंगे नहीं, थोड़ा सा ऐसे ही इसको मोटा सा रहने देंगे टमाटर को, ज़्यादा इसमें पूरा नहीं इसमें घुलने देंगे। मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो मैंने इसके लिए करेले तले हुए थे वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसको 5-10 मिनट के लिए ऐसे ही रहने दूँगी, क्योंकि करेले ऑलरेडी हमारे पक चुके हैं। पर इसको मैं कवर कर दूँगी ताकि जो हमारे मसाले हैं उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। ये मेरे करेले बन के रेडी हो गए हैं। बस इसको 5-10 मिनट के लिए मैंने ऐसे ही कवर किया था और ये मसाले अच्छे से मिक्स हो गए। अब मैं इसको गार्निश करूँगी हरे धनिए से। इसमें हरा धनिया भी ऐड कर दिया है, गार्निश कर दिया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज। अब मैं इसको गार्निश करूँगी प्याज से। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी, क्रिस्पी टेस्टी करेले। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, जिससे कि आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम।